मई 1719 की एक सुबह हरम में कस्टडी में रखे गए निकुसियार मोहम्मद को हरम से निकालकर कहा गया कि आज से तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो। और यहीं से शुरू होती है इंडिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट मुगल कॉइन की कहानी। वेलकम गाइस, यू आर वॉचिंग इंडियन कॉइन टेल्स। निकुसियार मोहम्मद औरंगजेब के ग्रैंडसन थे, पर वारिस अकेले नहीं थे, इसलिए थ्रोन पॉलिटिक्स का शिकार भी रहे और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त हरम कस्टडी में रहकर ही बिताया। लेकिन मई 1719 को उन्हें हरम से निकाला गया और बना दिया गया हिंदुस्तान का बादशाह। लेकिन ऐसा सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। वो राजनीति करना नहीं जानते थे, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि जल्द ही वे इस गद्दी से हटा दिए जाएंगे। पर इस बात की परवाह किए बिना निकुसियार ने वो सब किया जो एक नया बादशाह करता है। निकुसियार मोहम्मद ने गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल में अपने नाम के सिक्के बनवाए भी, चलवाए भी, और मिंट थी अकबराबाद। स्क्रीन पर दिख रहे इस सिल्वर रुपी का वजन है 11.28 ग्राम, जिसके ओवर साइड पर लिखा है, खुदा की मेहरबानी से जहां तक नजर जा सकती है वहां तक सोने और चांदी के सिक्कों पर अंकित है निकुसियार का नाम। इसी कॉइन के रिवर्स साइड पर लिखा है, सल्तनत के पहले साल में अकबराबाद मिंट से बनाया गया सिक्का। लेकिन इस सल्तनत के 100 दिन पूरे करने से पहले ही सैयद ब्रदर्स ने उन्हें गद्दी से हटाकर फिर से हरम में बंद कर दिया। निकुसियार बादशाह तो नहीं रहे, पर उनके बनाए सिक्के आज रातों रात किसी को भी बादशाह बना सकते हैं, क्योंकि उनके एक चांदी के सिक्के की कीमत है 69 लाख रुपए, जिसे 2016 में टोडीवाला ऑक्शन में इसी कीमत पर बेचा जा चुका है। और गुड न्यूज यह है कि ऐसे अब तक सिर्फ 2 ही कॉइन मिले हैं। सो गाइस, ये थी निकुसियार की कहानी जो इस कॉइन को इतना कीमती बना देती है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सुनते रहें और हम सुनाते रहें ऐसी ही फायदेमंद, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरीज।